जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन के विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 17 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसमें से इस ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इनमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को बता रहे हैं जो क्वेश्चन कभी न कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस को नहीं बता रहे हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से आप तैयार करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी एफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स। हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बच्चों का दिमाग ही नहीं काम करता है क्वेश्चन देख करके। देखिए, यहां पर हम एफ ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लें, तो अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब अगर इसका हम अवकलन लें तो जब एक बार डैश लगाते हैं तो इसका मतलब भी अवकलन ही होता है। तो इसका अगर हम अवकलन लेंगे तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी होगा। अब हम ए एक्स प्लस बी का निकालेंगे तो बी कॉन्स्टेंट है और ये ए एक्स है, तो यक्स ए तो कांस्टेंट है वैसे ही रह जाएगा और यक्स का जो डिफरेंशियल है ये डी एक्स और ये इक्वल टू हो जाएगा डी टी। और फिर यहाँ से अगर हम यफ डैश ए एक्स प्लस बी और फिर ये डी एक्स की वैल्यू निकालें, ए इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/a dt। अब चले देखते हैं, यहाँ आ जाइए क्वेश्चन पर। तो यफ ए एक्स प्लस बी के जगह पे टी है तो ये हो जाएगा आपका टी टू दी पावर एन। और जरा यहां देख लीजिए, यफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, देखिए यफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1/a dt। तो 1/a यहां बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा डी टी। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में टेक्निकल लग रहा था लेकिन कितना ईजी हो गया। अब हम ये 1/a और टी टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन, आपको मालूम है टी टू दी पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा सी। अब हम चाहें तो टी की वैल्यू यहां रख सकते हैं। तो देखिए, 1/a और एन प्लस 1 दोनों एक साथ कर देते हैं और टी के जगह पे टी की वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये है आपका एफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए एक्स प्लस बी और टू दी पावर हो जाएगा एन प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट सी। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये है आपका 1/√ साइन क्यूब यक्स। अब जरा देखिए, ये साइन यक्स प्लस अल्फा है, इसको साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले पे पहले तोड़ देते हैं, इसके बाद तोड़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन यक्स कास अल्फा प्लस हो जाएगा कास यक्स साइन अल्फा और फिर ये हो जाएगा आपका डी एक्स। एक काम करते हैं, हम यहां से साइन यक्स कामन ले लेते हैं। तो उस कामन लेने का मतलब आप समझते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि जो दोनों में होता है वही कामन होता है। आप कामन लेने का मतलब जिसको आप कामन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स और यहां से अगर हम साइन यक्स कामन ले लेते हैं तो देखिए साइन यक्स एक बाहर ले चुके हैं। अच्छा, पहले हम लिखते हैं, ये साइन यक्स ले लिए तो अब देखिए कि क्या यहाँ बच रहा है। यहाँ बचा आपका कास अल्फा और देखिए साइन यक्स कामन है तो कास यक्स अपान साइन यक्स हो जाएगा। तो कास यक्स अपान साइन यक्स जो है ये हो जाएगा कॉट यक्स और इनटू ये हो गया आपका साइन अल्फा और फिर ये हो जाएगा आपका डी यक्स। अब चले देखें, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं।
अब साइन यक्स का क्यूब में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 4x हो जाएगा, और साइन 4x का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x को अगर ऊपर लेके चले जाते हैं तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर जाकर के हो गया कोसेक स्क्वायर x अपान हो जाएगा ये कास अल्फा प्लस हो जाएगा कॉट x साइन अल्फा, और ये हो जाएगा dx। अब चलिए देखते हैं, अब हम एक काम करें इसको सॉल्व करने के लिए, रूट के अंदर ये जो पूरी वैल्यू है ना, अगर इसको t मान लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर इसको t स्क्वायर मान लें तो t स्क्वायर मानने से फायदा ये होगा कि स्क्वायर रूट लेना इजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर नोट करते हैं, माना कास अल्फा और प्लस हो जाएगा कॉट यक्स साइन अल्फा, कॉट यक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू हम टी स्क्वायर मान लेते हैं। और चलिए जी आपको मालूम है कि जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन ले लेते हैं, तो चलिए हम अवकलन लेते हैं तो कॉस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन लेते हैं तो जीरो हो जाता है। अब ये बचा आपका, देखिए ये साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, हम इसको ले लिए। अब कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी, और फिर टी का हो जाएगा डी टी। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से हम अगर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हम रखें तो माइनस साइन अल्फा बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका टू टी अपान, और देखिए माइनस को भी हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं, टू टी अपान हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा डी टी। चलिए एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस टू टी, यहाँ हम माइनस टू बाहर निकाल लेते हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका, और यही नहीं माइनस टू अपान साइन अल्फा, साइन अल्फा को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस टू अपान हो जाएगा साइन अल्फा, अब बच जाएगा ये आपका टी, और फिर देखें हम आगे बढ़ रहे हैं तो माइनस टू अपान साइन अल्फा, और फिर ये हो गया आपका टी, और फिर डी टी तो होगा ही। अब यहाँ देखिए क्या बच रहा है, अब इसके जगह पे हमने माना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो टी हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, और फिर ये हो जाएगा आपका डी टी, तो फिर टी से टी कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम एक स्टेप और ये इस साइड में करते हैं, राइट साइड में करते हैं, तो माइनस टू अपान हो गया ये साइन अल्फा, और यहाँ बच गया वन, तो वन का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा टी, और प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे तो टी की वैल्यू अगर रखेंगे तो देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू इतना है ना, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर अपोजिट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू अपान साइन अल्फा, और ये हो जाएगा अंडर रूट कास अल्फा प्लस हो जाएगा कॉट यक्स साइन अल्फा, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट से। आप अगर चाहें तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, माइनस टू अपान साइन अल्फा, और ये है अंडर रूट, देखा जाए ये है अंडर रूट कास अल्फा, और देखिए काट को फिर हम कास अपान साइन कर लेते हैं, कास अपान साइन कर लेंगे तो दूसरे फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कास यक्स अपान साइन यक्स, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, और प्लस हो जाएगा आपका कांस्टेंट सी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस टू अपान साइन अल्फा, और देखिए क्या मिलेगा, फिर आप यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका
ये साइन यक्स कास अल्फा और प्लस हो जाएगा कास यक्स साइन अल्फा और अपान हो जाएगा ये आपका साइन यक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। तो अब जो है यहां लिख देंगे माइनस टू अपान साइन अल्फा और ये तो साइन यक्स है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, ये साइन यक्स है तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। देखिए फिर वो ये फार्मूले पे आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन यक्स प्लस अल्फा और नीचे हो जाएगा आपका साइन यक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। चूंकि क्वेश्चन में जो था ये साइन यक्स प्लस अल्फा था तो साइन यक्स प्लस अल्फा के फॉर्म में आंसर लिखना थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल था, लेकिन अगर आप यहां भी छोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, आपका दोनों आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। 19 में दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट यक्स माइनस कास इनवर्स रूट यक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट यक्स प्लस कास इनवर्स रूट यक्स, ये इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा डीएक्स। देखें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ लेते हैं। आप लोग जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो वहां एक फार्मूला आपने देखा था कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू हुआ करता था। अगर यक्स के जगह पर रूट यक्स भी हो जाए ना तो भी इसकी वैल्यू पाई बाई टू ही होगी। अच्छा एक काम और हम कर लेते हैं, अगर यहाँ से कास इनवर्स रूट यक्स की वैल्यू निकाल लें तो साइन इनवर्स अपोजिट साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट यक्स। चलिए अब हम रखते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स रूट यक्स और माइनस देखिए कास इनवर्स रूट यक्स के जगह पे हम रख लेते हैं, ये है आपका पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट यक्स और नीचे देखिए यहाँ क्या होगा, ये है साइन इनवर्स रूट यक्स प्लस कास इनवर्स रूट यक्स, इसके जगह पे हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो गया पाई बाई टू डीएक्स। इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना कि इन सबको देख करके बच्चे बेवजह परेशान हो जाते हैं, जबकि छोटी छोटी टेक्निक होती है, छोटे छोटे टेक्निक से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब ये है आपका साइन इनवर्स रूट यक्स और फिर यहाँ माइनस कर देंगे, या चलिए यहीं पे हम कर देते हैं, अगर ये माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखें इसको हम लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स रूट यक्स प्लस साइन इनवर्स रूट यक्स ये हो जाएगा आपका टू साइन इनवर्स रूट यक्स माइनस पाई बाई टू डी एक्स और ये पाई बाई टू है ना, इसको हम बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका टू बाई पाई। अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा और देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यक्स के जगह पे टी स्क्वायर मान लेते हैं। अगर यक्स के जगह पर हम टी स्क्वायर मान लेंगे यक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो चलिए इसका अवकलन निकाल लेते हैं, तो जब अवकलन निकालेंगे तो यक्स का अवकलन डी एक्स हो जाएगा और फिर टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी डी टी हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका 2 बाई पाई, अब या नहीं तो हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 बाई पाई का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 बाई पाई और फिर देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये है आपका साइन इनवर्स और देखिए यक्स के जगह पे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टी हो जाएगा और फिर इसके साथ साथ डीएक्स आएगा, तो डीएक्स की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपके टू टी डी टी, तो फिर एक टू बाहर आ जाएगा, यहाँ बाहर टू आ गया और फिर ये हो गया आपका टी डी टी और फिर इसके बाद हम यहाँ आते हैं,
तो देखिए 2 बाई पाई का पाई बाई 2 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। और फिर जो है यहाँ पर हम dx की वैल्यू रख देंगे, तो dx की जो वैल्यू होगी dx की वैल्यू हो जाएगी, या देखिए इसको ऐसा करते हैं ना, इसको सेपरेट हम लोग करके सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा करते हैं ना, इंटीग्रेशन से पहले इसका प्रोसेस हम अंदर कर लें और अंदर करने के बाद फिर इंटीग्रेशन का प्रोसेस हम करें। तो ये देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 बाई पाई और ये हो गया इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट यक्स और फिर ये हो जाएगा डीएक्स। फिर इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 और फिर ये हो जाएगा डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग करें और इसका इंटीग्रेशन अलग करें, अगर एक में कंबाइन करके करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं हम लोग, तो अब हम यहाँ पर x के जगह पे t स्क्वायर रखें तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 बाई पाई और ये चीज़ हम केवल यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट x, यानी x के जगह पे t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और फिर dx के जगह पे हम रख देंगे 2t dt, तो 2 को हम यहाँ बाहर कर लेते हैं और फिर ये हो जाएगा आपका t dt और माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन ले लीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और हम चाहे तो कांस्टेंट सी भी जोड़ सकते हैं और या नहीं तो इकट्ठे हम लास्ट में कांस्टेंट सी जोड़ेंगे। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अब ये जो है ये 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 बाई पाई और देखिए इसका हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। एक चीज और देखिए आप यहाँ पर कि साइन इनवर्स टी को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है और अगर साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन करना हो तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे और दो फलनों के गुणन का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वही इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, प्रथम फलन ये हो गया फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे ये टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ हम कर देते हैं टी स्क्वायर और 2 को यहाँ हम बाहर कर देते हैं 1 बाई 2 और ये हो जाएगा डी टी और माइनस यक्स रहेगा ही। अब देखिए हम यहाँ पर अब थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहेंगे और देखिए परिवर्तन करने के लिए एक काम करते हैं, देखिए अंदर और बाहर दोनों में हम माइनस से गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और जानते हैं फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं और 1 माइनस कर दे रहे हैं, तो देखिए 1 ऐड कर दिए और हम यहाँ से 1 माइनस कर दिए, क्योंकि बिना ऐसे इसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं ये क्या मिल रहा है, यहाँ मैं लिखता हूँ 8 अपान पाई हो गया और ये यक्स जो है ये बिल्कुल अलग है, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, अब इसके यक्स के साथ कोई प्रोसेस हम लोगों को नहीं करना है, ये 8 अपान पाई और ये टी स्क्वायर बाई 2, इसको हम चाहें तो पहले लिख सकते हैं, ये हो गया 1 बाई 2 टी स्क्वायर और ये हो गया आपका साइन इनवर्स टी और फिर ये देखिए ये है आपका 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 और देखिए फिर यहाँ क्या हो रहा है, इससे अलग अलग हम डिवाइड कर दें,
तो 1 - t² / √ हो जाएगा 1 - t² और फिर ये -1 / अलग अलग इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा -1 / √ 1 - t² और ये हो जाएगा dt और फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ से 1/2 यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकाल करके 8 को कट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 6। एक काम और हम यहीं पे कर लेते हैं, ये जो 1 - t² है ना, इसको हम √1 - t² × √1 - t² कर सकते हैं। देखिए 1 - t² × √1 - t² फिर क्या होगा, √1 - t² से √1 - t² कैंसिल हो गया। ये जो 1/2 है, 1/2 बाहर निकल चुका है, तो 1/2 बाहर निकल चुका है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/π। अब ये हो गया आपका t² और ये हो गया आपका sin-inverse t। अब देखिए अब क्या बच रहा है, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन छुटा हुआ है, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। 1/2 भी बाहर निकल चुका है, तो अब यहां पर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 - t² dt और फिर यहां इसका भी अलग से इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा -√1 - t² dt और माइनस हो जाएगा x। इस प्रकार जो है हम फार्मूला, जैसा कि जानते हैं, हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं √a² - x² का। तो यहाँ पर देखिए a² - x² a के जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4/π और फिर ये हो जाएगा आपका देखिए t² और ये हो गया sin-inverse t। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x/2, तो x के जगह पे आपका देखें मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x/2 यानी t/2 हो जाएगा और फिर अंडर रूट हो जाएगा 1 - t² और फिर ये हो जाएगा प्लस a², तो a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, a² / 2 होता है, ये हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा sin-inverse x/a यानी t/a, तो ये हो जाएगा t और फिर इसके बाद हम यहाँ आते हैं। चलिए तो अब जो है ये इतना याद रखे रहिएगा कि ये 4/π का जो मल्टीप्लिकेशन है ये पूरा अंदर तक है, केवल यक्ष में नहीं है, अंदर तक मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ये हो जाएगा आपका माइनस, अब इसका हम कर लें तो ये 1 / √1 - x² है, तो ये हो जाएगा आपका -sin-inverse t और ये है माइनस यक्ष। अब चले देखते हैं, अब अगर इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा दें तो हटाने से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए फिर क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 4/π और ये हो गया t² sin-inverse t और फिर ये आपका है, ये है t/2 √1 - t². यहाँ देखिए ये sin-inverse t है, 1/2 है और -sin-inverse t है, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 sin-inverse t, ये हो गया -1/2 sin-inverse t और फिर ये है आपका माइनस यक्स। अब यहाँ हम कांस्टेंट सी जोड़ सकते हैं, अब हमको यहाँ पर t की वैल्यू रख देनी होगी, t की वैल्यू रख दीजिए तो t = हो जाएगा √x और t² के जगह पे x रख देंगे, तो ये हो गया आपका 4/π t² के जगह पे x हो जाएगा और ये हो गया फिर यहाँ पर sin-inverse t के जगह पे हो जाएगा √x, फिर t के जगह पे √x, देखे √x/2 और √1 - t², तो t² के जगह पे हो जाएगा आपका x
माइनस हो गया 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी के जगह पे फिर हम रख देंगे, ये हो जाएगा आपका रूट यक्स और माइनस यक्स प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। या तो अगर 4/π को हम चाहें तो अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या हम यहां भी छोड़ सकते हैं, हम लोगों का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका सॉल्व होता है। और यहां पर आज आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये कभी न कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर आप जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।